तो गाइस सामने एक दुकान है, यहाँ से हमने डिसाइड करा है कि हम आइसक्रीम लेंगे। एक कौन सी आइसक्रीम लूँ गाइस मैं, आप कमेंट करो और बताओ मेरे को कौन सी आइसक्रीम लेनी चाहिए मेरे को। भैया आप कौन सी आइसक्रीम लोगे? कोला वाला लिए थे। आ जाओ स्टूडियो का बॉस लगा। यहाँ पे ये होता है जानवर को अच्छे से ट्रीट करते हैं यहाँ पे सब। ये तो स्ट्रॉबेरी वाली है ना, डबल चॉकलेट नहीं यार, दूध वाली आती है, कुल्फी है। कुल्फी सही है, कुल्फी लिया है मैंने गाइस। बहुत अच्छी आइसक्रीम है, हमारी बाइक बस ठीक हुई होने वाली है। टेस्टिंग के लिए लेके गए हैं गाइस, सही है। अब चलो गाइस हम चलते हैं, हम चल दिए अभी सनसेट व्यू में। देखो बच्चे हमें देख रहे हैं, हेलो करते हुए जा रहे हैं। तो गाइस रानीखेत की वादियों में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। आपको बताओ आपको कैसा लग रहा है? पीछे भैया बैठे हैं उनसे पूछो। गाइस पूरा देखो बहुत बढ़िया है, तरफ पहाड़ है, बहुत प्यारा है। अभी हम आपको क्या दिखाने वाले हैं? अभी हम आपको दिखाने वाले हैं रानी झील। तो गाइस अभी हम रानी झील जाने वाले हैं। रानी झील का रास्ता है ये, बहुत पतला रास्ता है गाइस, बहुत टूटा टूटा है, लेकिन यार टूटे हुए रास्ते में ही तो मजा है। बढ़िया रास्ते में कहाँ मजा है? पूरे भाई को कुरु कुरु गाइस, अभी हमारा फोन गिर जाता, बाइक का भी ध्यान देना है गाइस। तो अभी हम रानी झील जा रहे हैं, वहाँ पे सनसेट तो होता नहीं है, ओके झील होती है, बाकी आपको दिखाते हैं वहाँ व्यू एंगल सही कर लो। मैं सही बता रहा हूँ आप गाइस, ये है रानी झील का रास्ता, ये है ना? ओके गाइस मैं रास्ता बोल चुका हूँ। ये चिल्ड्रन पार्क है गाइस, बहुत ज्यादा यहाँ झूले हैं गाइस। यहाँ बहुत सारे झूले थे बच्चों के लिए, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए बड़े बड़े झूले थे। जब बाघ आता है ओ माय गॉड, अच्छा खासा ताजा मोटा आता है या फिर पतला आता है बुड्ढा? कितनी पतली पतली रोड है देखो। ओ रानी झील आ चुके गाइस, ये देखो रानी झील, कितना कम पानी है। ओ बैलून भी है, चल रहे यहाँ बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत सारा झूले वूले भी है यहाँ, और यहाँ पे एक गुब्बारा भी है बहुत बड़ा वाला, जो पानी में नहीं चलता वो बीच में यूज करते हैं, यहाँ पर भी है वो गाइस, तो हम उसको यूज करेंगे और आपको दिखाएंगे। एक लगा देते हैं, रानी झील आ चुके हैं, देखो कितना प्यारा गाना चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि अपना रानी झील में है। यहाँ पे झंडे वंडे लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं झंडे, शायद सुंदर दिखाने के लिए लगे हुए हैं। पूरी झील देखिए गाइस आप, आई लव रानीखेत। तो यहाँ पे बंदर भी है एक, हेलो करके दिखाता हूँ। तू फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं इसे, फ्लाइंग फॉक्स बना रहा हूँ गाइस। रानी झील देखो, ये है तक क्या बस मछलियाँ हैं उधर, देखता हूँ देखो ना मछली, सारी मछलियाँ हैं तो वही ऑरेंज येलो कलर की। अरे नहीं ये पत्ते हैं, तो नीचे चल के दिखाते हैं। अभी फोटो वोटो सेशन होगा हमारा यहाँ। तो गाइज बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ, ऑफकोर्स गाइज रानीखेत है, बहुत ठंडी हवा आएगी। आई लव रानीखेत। बाकी झील देखो आप, चलो नीचे चलते हैं, हमें वहाँ से जाना है नीचे। अरे बाबू भैया यहाँ से जाएंगे हम नीचे, पता नहीं क्यों गाइस बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ व्यू ऐसा है, बहुत ज्यादा ग्रीन भी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा हरियाली भी है। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो, देखो आप हरियाली देखो। वर्मा ब्रिज है, वर्मा ब्रिज है, शावर चालू हो गया, चालू कर दिया उन्होंने, पाइप लगाया, पाइप लगाया गाइस। अरे हाँ ये मछलियाँ हैं ये, लेकिन मेरे ख्याल से मर गई है, पत्तियाँ वत्तियाँ नहीं है कुछ, ये मछलियाँ हैं, गोल्डन है देखो, ये ब्लैक है और ये भी गोल्डन है। सभी तरीके की यहाँ पे मछलियाँ हैं, बहुत मजा आ रहे हैं यार। इसमें जाना था मेरे को लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं किसने मना कर दिया है मेरे को, इसमें बहुत डर लग रहा है। कैमरे वैमरे भी हैं तो हमें संभाल के सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने सोचा यहाँ चोरी वोरी करूंगा पेड़ पौधों की, लेकिन चोरी कैसे होगी गाइस, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, टॉयलेट भी स्टील का बना हुआ है गाइस, लेकिन ताला लगा हुआ है। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, आपको हमने सब दिखा दिया यहाँ पर क्या क्या है, और डस्टबिन रह गया है, ये वाला झूला झूलना था, अगर मैं इसमें गया तो मेरा फोन गिर जाएगा और पानी में चला जाएगा, ऐसा भैया का कहना है, क्योंकि सारी दुर्घटना मेरे साथ ही होती है। ये क्या है? ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, वाओ कितना सुंदर स्ट्रक्चर है। क्यों बैठने के लिए है ये? पक्का बैठ सकते हैं ना इसमें? कैसे लग रहे हैं भैया बताना, बाकी अभी मैं भी बैठूंगा, मेरे को भी बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। तो देखा गाइस राहुल जाने वाला है, राहुल को बहुत अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा चाइनीज टाइप लग रहा है, शिंगशांग गाइस। राहुल शर्मा कर बैठ चुका है वहाँ पे, और राहुल करने वाला है मेडिटेशन। देखिए गाइस ये मेडिटेशन करते हुए राहुल, ये देखिए गाइस। और गाइस यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि यहाँ पे पास पास में क्या क्या चीजें हैं दर्शनीय है। सही में बहुत प्यारा व्यू था, बहुत मजा आ रहा है, चलते हैं अभी एक बार और आप लोग और देख लीजिए गाइस, एक बार और देख लीजिए। हाय स्कूटी हट सनसेट देखने जाने वाले हैं, माल रोड के पास है गाइस, यहाँ पर रानीखेत में वहाँ पे उसके पास, उसका नाम है चौपटिया। भैया बाइक चलाएंगे, मैं पीछे बैठ के ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि भैया से बनाने तो आते नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं गाइस कुछ भी। अभी हम चलते हैं, चलो भैया तैयार हो चुके हैं बाइक लेकर, चलो बाइक पे बैठते हैं अभी हम। बाइक स्टार्ट हो चुकी है, चलने के लिए हम तैयार हैं, चलते हैं चलो। तो गाइस अभी आप रास्ता देखो, मेरा गला थक चुका है, हमारी बुलेट भी आए हाय,
तो ये है। ओ! क्या कर रहे हो यार? बिल्कुल नहीं दूंगा अब मैं। वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ उस जगह मेरे को गिराने वाले थे अभी, और चोट लग गई है गाइस मेरे थोड़ी सी। अब मैं बताऊंगा इन्हें, इतना डराऊंगा बस बाइक मेरे हाथ में आने दो। गाइस गाइस ये कह रहे हैं वीडियो दिखाओ मेरे को जब फिसलने वाले थे, सोच रहे मेरा फेस का रिएक्शन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा। तुमने मारी है? अरे यार ये लग गया, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बैठा था मैं इस सीट पे, यहाँ पे मेरी थाइस थी, तो ये लग गया मेरे गाइस बहुत जोर से। ये नोक है। अच्छा पैंट नहीं फटी, ये देखो हंसते हुए अभी। गाइस एक और बुलेट खड़ी है, मेरी बुलेट सेम कलर है, सेम मॉडल है। गाइस मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है, ये बेकार आदमी है खिलाते ही नहीं कुछ। छोटा सा रेस्टोरेंट है, देखते हैं काम क्या मिलता है। अभी तो धूप निकल रही है गाइस, देखो सूरज कहाँ पर है अभी। ये है सूरज, मेरे को भी दिख रहा। अभी देखो कितना टाइम है सूरज को डूबने में। मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा अब। गाइस आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं दिखाता हूँ आपको कितनी परसेंट बैटरी है मेरे फ़ोन में। 1% बैटरी है। सनसेट देखने में टाइम तो है ही, अभी कोल्ड ड्रिंक आ गई हमारी, इतना हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आप देखिए आगे का ब्लॉग। गाइस हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे इधर भी खाइए इधर भी खाइए। ये देखो गाइस कोल्ड ड्रिंक का मजा लो आप। देखिए हम सेवन स्टोर्स पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीचे खाई है, और रास्ता भी बड़ा खतरनाक है। आप यहाँ किड्स आर नॉट अलाउड, और राहुल की भी फटी पड़ी है अभी। गाइस यहाँ बैठ के चिप्स कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं। यहाँ खड़े होके गाइस कोल्ड ड्रिंक पीने का अलग ही मजा है, जो कि कहीं नहीं आने वाला। क्योंकि ऐसा है ना, तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो सीधा ऊपर पहुंचोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, कांच की बोतलें ऐसे फोल्ड रखी हैं यहाँ, जैसे मेला लग रखा हो कांच की बोतलों का। ये इन लोगों ने रानीखेत का ये हाल बना रखा है, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। गाइस देखो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहे हैं, ये वाले बादल, ये वाले पेड़ दिख रहे हैं, और कुछ नहीं दिख रहा है। गाइस आप भी खा लो लो। ये है सेवन स्टोन, यहाँ पे स्टोन ही स्टोन है। गाइस मुझे लगता है आपको हवा की आवाज आ रही होगी क्योंकि मैंने लगा रखा माइक, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। सच बताऊँ मेरा बहुत मन था यहाँ व्लॉग बनाने में, लेकिन आज तक कभी आ नहीं पाया। आज पहली बार आया हूँ और ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ मैं। ज्यादातर लोग है नहीं क्योंकि सनसेट के टाइम पे ही आते हैं यहाँ पे लोग, और हम यहाँ शोर मचा रहे हैं बैठे बैठे। चलो आगे का व्लॉग बाद में, बहुत बातें कर ली तुम्हारे से। गुड नाइट।